फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहले नंबर पे जो विजाइनल ऑरिफिस है, ये एक्सटर्नल विजाइनल ऑरिफिस है और इसके ऊपर एक ट्यूब का स्ट्रक्चर है। इस ट्यूब को क्या कहते हैं, विजाइनल कैनाल या बर्थ कैनाल। ये बर्थ कैनाल का जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है। क्या है? 10 सेंटीमीटर। अगर आप इंचेस में लेती है तो ये है 3 to 4 inches। और इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। और ये किस चीज से बना है, फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू से। फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू का मतलब ये है कि ये फाइबर्स और मस्कुलर से बना हुआ होता है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? अच्छा, फंक्शन से पहले इसके कुछ और स्ट्रक्चर है। विजाइना के ये अपर एंड को क्या कहते हैं, वॉल्ट। इसको कहते हैं वॉल्ट। वॉल्ट के 4 हिस्से होते हैं, एक इंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर। तो इंटीरियर इसका जो है, इंटीरियर इसका जो आगे वाला हिस्सा है इसको इंटीरियर कहते हैं, और अब मैं मॉडल में आपको दिखाऊंगा। और जो पीछे वाला है इसको पोस्टीरियर कहते हैं, और 2 लेटरल है इसको फॉर निसिस कहते हैं, फॉर निसिस या आर्क्स और या आर्चेस इसको कहते हैं। तो ये 2 एंड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं इसको फॉर्निसिस कहते हैं। अच्छा, इसका फंक्शन अभी क्या है, तो फंक्शन इसका ये है कि विजाइनल कैनाल पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब बर्थ, बर्थ ऑफ न्यू बॉर्न बर्थ। जब नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी होता है, सिजीरियन नहीं होती। सिजीरियन का मतलब ये है कि ऑपरेशन के थ्रू। तो अगर सिजीरियन डिलीवरी नहीं होती, नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी होती है, जो यहाँ जो फीटस होता है इसका डिलीवरी अभी कहाँ होगा, ये बर्थ कैनाल के थ्रू होगा। अच्छा, दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये एक वे है मेंस्ट्रुअल ब्लड के लिए। मेंस्ट्रुअल ब्लड हर मंथ में एक मंथली साइकिल होता है, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 5 to 7 डेज होती है जिसको मेंस्ट्रुएशन कहती है या ब्लीडिंग टाइम कहती है। इसमें जो ब्लीडिंग आती है एंडोमेट्रियम की शीडिंग से जो ब्लड होता है ये विजाइनल कैनाल के थ्रू बाहर आता है। ये दूसरा फंक्शन है। और तीसरा फंक्शन इसका ये है कि ये सीमेन, सीमेन मीन कि स्पर्म एंट्री। स्पर्म के लिए जो एंट्री होता है ये विजाइनल कैनाल के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ ओवरी में एक हुआ प्रोड्यूस हुआ होता है, ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन के बाद हुआ यहाँ आ गया, और इंटरकोर्स के दौरान यहाँ स्पर्म आ गया, तो स्पर्म और ओवम यहाँ फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये एक वे है सीमेन एंट्री के लिए, स्पर्म एंट्री के लिए।